क्या मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक सीमित रखना उचित है, अथवा उन्हें ज्ञान मंदिर बनाने में धर्म का अधिक लाभ निहित है? तो ये प्रश्न है जी, आप बताइए। सभी और लोगों मैं का, चाहूंगा कि थोड़ा सा परिचय भी दें ताकि दर्शकों को भी पता मैं चले। पंडित सुनील कुमार त्रिपाठी उदयपुर राजस्थान से हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, और इसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर आगे उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सनातन धर्म का, सनातन धर्म हमारा गौरव है और वेद जो मूल है उस ओर हमें आगे बढ़ना है, और पुनः भारत को विश्व गुरु के ऊपर स्थापित करना है। उसके लिए हमें मंदिरों में भी वही एक प्रकार से पूरा संतुलन बनाते हुए वहाँ पे व्यवस्था है बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। केवल आरती और संक्षिप्त वहाँ जो प्रक्रिया होती उससे बढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे हम जैसे ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें वहाँ पे जो लाइब्रेरी वगैरह है, जो शास्त्र, अच्छे शास्त्र हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं, ऑथेंटिक हैं, उन शास्त्रों को वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी के रूप में विकसित करना चाहिए, और हो सके जहाँ तक वहाँ कोई अच्छा, अगर कोई समर्पित या निष्काम भाव से जो सेवाएं दे सके ऐसा आचार्य भी वहाँ अगर उपलब्ध हो तो हम बेहतर प्रयास करके उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान एक चीज भाई साहब, मंदिरों में ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान का वर्धन करने वाले ब्राह्मण भी वहां होने चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए, ब्राह्मणों का शोषण नहीं होना चाहिए। उनको दो दो चार चार हजार, पांच पांच हजार रुपए में वहां रख के, झाड़ू पहुंचा जो सिर्फ सर। पूजा करते हैं बेचारे, और वहां की जो कमेटी होती है वो क्या करती है, उन्हें 4,000 5,000 रुपया दे देती है ना, वो अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, उनकी पढ़ाई करा सकते हैं, कभी कभी श्राद्ध आ गए तो उनको खाने को हलवा पूड़ी मिल गया और कितना खा लेंगे वो। तो ये जो होना है ये इसको बदलना चाहिए हमें। और वहां पर ज्ञान का मंदिर, मंदिर तो है ही मूर्ति वाला, लेकिन ज्ञान का मंदिर उसे बनाना बहुत ही आवश्यक है। महाराज जी भी कुछ कह रहे हैं। देखिए इस समय क्या है, मैं थोड़ा कुछ, मेरी बातें कटु लगे तो क्षमा कीजिएगा। इस समय भारत से जो मंदिरों का चढ़ावा चढ़ता है, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। हिंदू जनता श्रद्धा के नाम से देती है कि हम भगवान के लिए दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तक तो पहुंचता नहीं। हम स्वादिष्ट भोजन कितना भी बनाते हैं, कुछ समय के बाद उसमें बदबू आने लगती है। आज एक परंपरा वर्तमान में जो शुरू की जाती है, कालांतर में वो विकृत होकर दूसरा रूप ले लेती है। पहले ये सोचा गया कि चलो इसमें मूर्ति स्थापित की जाती है, कोई एक पुजारी रहेगा, उसको जनता धन चढ़ाएगी, उसका परिवार चलेगा, सब कुछ होगा। धीरे धीरे इसमें विकृति आती गई, चढ़ावा चढ़ने वाले होते गए। उन्होंने अपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बेचारे वो आश्रित हो गए। मैंने जगन्नाथपुरी गया तो एक पंडित से मैंने पूछा कि भाई आप लोग दिन भर जो आते हैं उनके पीछे पीछे लगे रहते हो, आपको अपने ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान नहीं है, तो आप क्यों नहीं कुछ ज्ञानार्जन करो, समाज को उपदेश दो, समाज का भला होगा, इससे पंडागिरी से क्या मिलता है? तो करे कि उसमें परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें बिना ऐसे के मिलता है तो हम क्यों करें। आज मैं जगन्नाथपुरी गया, वहां देखा, वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि 90% जो पंडे होते हैं बिना पिए मछली खाए सो नहीं सकते। आप बताइए, एक ब्राह्मण जिसे समाज आशा करता है कि समाज को ज्ञान देगा, उसको शिक्षा नहीं मिली, वो खुद राह से भटक गया। जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो चढ़ावा गवर्नमेंट ले रही है, हिंदू समाज का तो उसे कुछ नहीं हो रहा है। पूरे सहारनपुर के अंदर कई सौ मदरसे हैं, जबकि पूरे सहारनपुर में मैं समझता 16-17 ही गुरुकुल होंगे। भारत में मदरसों की संख्या लाखों में है, आखिर गुरुकुलों की संख्या कितनी है? 1,000 भी नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों? जो हर साल 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार के खजाने में चला जाता है। मान लीजिए आज वो वैदिक परंपरा होती तो 100 करोड़ में मान लीजिए कि 10 करोड़ ब्राह्मण होते, 10 करोड़ मान लीजिए, 10 करोड़ ही मान लीजिए, 10 करोड़ में 5 करोड़ तो शिक्षक होते,
वानप्रस्थी अलग होते, ये सारे देश में जगह जगह वानप्रस्थी, ब्राह्मण, विद्वान सभी शिक्षा देते, कोई भी इस्लाम स्वीकार क्यों करता है, क्रिश्चियनिटी स्वीकार क्यों करता है? तो हमारी जो विकृतियां हैं वो बढ़ गई। इससे मैं तो ये कहूँगा, अब ये होड़ मची है कि हम इतने सोना चढ़ा देंगे। अब मैं गुजरात में गया, जगह जगह देखिए स्वामीनारायण मठ के मंदिर बने हैं, सोने के कलश चढ़े हैं, सोने के दरवाजे, क्या क्या सारा सोना तो चढ़ रहा है, शिक्षा में नहीं खर्च हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सौंदर्यीकरण की अपेक्षा वहाँ पुस्तकालय खोले जाए, वहाँ ध्यान कक्ष खोला जाए, प्रवचन कक्ष बनाया जाए और जनता को प्रतिदिन वहाँ उपदेश हो, किसी भी धर्म ग्रंथ की चर्चा हो, तो सामाजिक विकास होगा। अन्यथा केवल चढ़ावा चढ़ता है, कुछ ट्रस्टी बंदर बांट करते हैं, कुछ पुजारी कुछ मंत के पास जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ है, कई मंदिरों में मैं घुमा हूँ संन्यास जीवन के प्रारंभ में, तो मैंने देखा है बेचारे जो, चलो एक पुजारी जो होते हैं उनको वेतन मिलता है, ट्रस्ट देता है, जब चाहे तब निकाल देगा, उनको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, उनका भविष्य क्या है? तो नई पीढ़ी तो पुजारी और इनमें कर्मकांड से दूर रहना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कोई सम्मान नहीं है, कभी भी ट्रस्टी कान पकड़ कर बाहर निकाल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि शिक्षा अनिवार्य है, आधे पेट खाकर भी वैदिक शिक्षा को फैलाया जाए, जितने मठ मंदिर हैं सब में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यदि शिक्षा नष्ट है तो भारत नष्ट हो जाएगा और कोई बचा नहीं सकता। हम सोने की ईंटों से भी मंदिर बना लें तो उसमें कोई ब्रह्मज्ञानी पैदा नहीं होगा। सोमनाथ का मंदिर क्या था? सोने की ईंटों से बना हुआ था, सोने के थंबे थे उसके, हीरे मोती न जाने कितने उस पर लाद कर वो ले गया था, लेकिन क्या हुआ? यदि कोई विद्वान होता तो ये नहीं होती। लेकिन झोपड़ियों से यदि गुरुकुल चलेंगे तो उसमें भी विद्या विद्वान बनेंगे, ऋषि मुनि पैदा हो गए, योगी यदि पता है देश धर्म की रक्षा करेंगे। तो हम ये मांग कर सकते हैं सरकार से कि हमारा 100 करोड़ इतना चलावा आता है, हमारा एक अलग विभाग बना के और इन ट्रस्टियों से और मालिकों से भी मंदिर का कब्जा छीन के वो लोग ज्ञानी आचार्यों को उस मंदिर पर सेलेक्ट करें, वही बोर्ड वही विभाग उनकी देखावाली करे उसमें और सरकार नहीं सुनती है, कितना ही नहीं सुनती है, ये प्रक्रिया में है। हाँ, देखिए एक बात सुनिए, बोर्ड बनने जा रहा है, असंभव कुछ नहीं है। एक बात सुनिए, जब आपका बोर्ड काम करेगा, गवर्नमेंट तो वही करेगी जिसपे आप दबाव चढ़ाओगे। आज हमारी यूपी में सेलेक्टर हाउस क्यों बंद हुए? ये देखिए नकारात्मक सोच हम जैसे भक्तों के लिए अच्छी नहीं है। देखिए हम क्या करें, देखिए महाराज जी एक बात सुनिएगा, अब हमको पता लगा ना विकृति कहाँ से। जब एक मंदिर के पुजारी को यही भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन इस मंदिर में टिकने वाला हूं और क्या मुझको मिलने वाला है, पैसा हमारे मंदिर पे भरपूर आ रहा है लेकिन वो तो जा रहा है गवर्नमेंट के खाते में और चढ़ावे से वो पंडित जी अपना गुजारा करें, तो क्यों ना एक जैसे जस्ट लाइक ए मैनेजर, बैंक का मैनेजर, बैंक का क्लर्क, उसको भरपूर पैसा मिलता है और भरपूर सेवा देता है वो, तो वो जो बोर्ड हमारा बने, जो विभाग हमारा बने, हम जो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे केंद्र में राज्य में अपनी सरकारें, अगर हमारी नहीं सुनेगी, आपने कह दिया तो कल किस मुंह से हमसे वोट मांगेगी? जब इमामों को वेतन हो सकता है तो पुजारियों को क्यों नहीं हो सकता? जब शमशान पे दीवार खींच सकती है उस पे कब्रिस्तान पे, तो शमशान पे क्यों नहीं? वो नहीं मानेंगे इसका मतलब हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं, हमको मनवाना पड़ेगा। इसमें एक बात वो है जो आम जो समस्याएं देखी जाती है, न तो ट्रस्टी चाहते हैं कि मंदिर पे कोई विद्वान आए, आए, बात वही क्योंकि विद्वान हमारे हाथ से बात साथ जाए, हमारे हाथ से वो सत्ता चली जाएगी, और न वहाँ का पुजारी चाहता है कोई विद्वान आए क्योंकि मैं छोटा पड़ जाऊंगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए ज्ञान की परंपरा में और पौराणिक कर्मकांड में 36 का संबंध है। जब जगन्नाथपुरी में डोंगरे जी गए थे, वहां के पंडों ने उनको भागवत नहीं करना था, कहीं भी मैंने देखा। अब जैसे मान लीजिए तिरुपति मंदिर का आज से 10 साल पहले 2 करोड़ का चढ़ावा था, आज ज्यादा ही होगा। यदि तिरुपति मंदिर चाहे तो अकेले 10 विश्वविद्यालय चला सकता है, लेकिन नहीं, उसका पैसा गवर्नमेंट खाते में जाएगा। अब मान लीजिए जो वैष्णो माता का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर, सब तो सारा पैसा तो गवर्नमेंट खाते में चला, ये चाहे तो बड़े बड़े महाविद्यालय विश्वविद्यालय अकेले चला सकते हैं, चारों शंकराचार्य चलाए चाहे तो 4 विश्वविद्यालय चला सकते हैं, लेकिन ये भावना ही नहीं पैदा होती है। अब जिसे अपने ज्ञानपीठ की नींव डाली गई, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ 5 कमरे बने थे, हमारे पास 5 लाख का कर्ज था, लेकिन उद्घाटन के होने के अगले दिन हमारे पास 7 विद्यार्थी थे, अशोक जी कुछ 1 महीने के बाद आए, उसके बाद हमने अगले दिन से पढ़ाई शुरू करवा दी थी। तो हमारे जो आचार्य थे अष्टाध्यायी महाभाष्कर
पढ़े थे, मैंने कहा कि भाई पहले से आप शुरू कराओ। अगले दिन से हमने एक कमरे में गुजारा किया लेकिन पढ़ाई शुरू करवा दी। लेकिन ये उल्लास जिन मंदिरों में साल का करोड़ों का बजट होता है उनके जो हेड है वो भी नहीं चाहते, वो चाहते नहीं कि ज्ञान फैले, ज्ञान के में अवरोधक बनता। देखिए एक बात है, मेरी बात आप क्षमा कीजिएगा, स्वामीनारायण मत ये कमर्शियल मत है, इसमें अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है, सबसे पैसा इनके पास है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए जो प्रमुख स्वामी जी हैं क्या ये स्वीकार करेंगे कि उनके समाज में बड़े बड़े वेद के विद्वान तैयार हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ाई उसी से तो उनका बहुत बड़ा जीवन, राजाओं जैसे शान शौकत है, इतने मंदिर बना लिए सब कुछ उनके अरबों का बजट जाता होगा मैं समझता हूँ, तो वो कभी भी शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे, ये कड़वी सच्चाई है, ये हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए जिसकी जो मान्यताएं हैं, मैं नहीं कहता किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमारी संस्कृत का उद्घोष है आत्मना प्रतिकूलान परिणाम न समाचरित, हम जो स्वाहा कहते हैं हर आहुति में, स्वाहा का अर्थ होता है कि पूर्ण आत्मत्याग, हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उसके साथ चाहते हैं, ये स्वाहा का अर्थ होता है। और हम किसी को कहें कि तुम्हारा मत झूठा है, तुम ये हो, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये हमें अंतरात्मा जो सोचना पड़ेगा कि आज जो ये विकृति जो धर्म ज्ञान के प्रचार में जो बाधा पड़ रही है, कहीं ना कहीं एक हमारा ही समाज का एक वर्ग दोषी है जो ज्ञान को फैलने नहीं दे रहा। नहीं तो मैं कहता हूँ देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, सभी मंदिर अपने यहाँ पुस्तकालय की स्थापना कर लें तो समाज का बहुत उत्थान हो जाए। आप देखिए हर मुसलमान के यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगी, 15 साल का बच्चा भी कुरान कंठस्थ कर लेता है, हम तो गीता के 5 श्लोक भी किसी को याद नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है ना। हम दूसरों को दोष दे कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया, हमारी कमी है, हम कमजोर क्यों बनते हैं? सृष्टि का सिद्धांत है बड़ी मछली छोटी मछली को निकलेगी, हम कमजोर पड़ेंगे, दूसरे देश से आक्रांता आएंगे हमारे ऊपर शासन करेंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे, हम आंसू बहाते रहे कि उसने हमको मारा उसने लूटा तो हमारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमें सबल स्वयं बनना होगा, हमें अपने ज्ञान धारा को बढ़ाना होगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते। जो 1,00,000 करोड़ रुपया आपने बताया जो जाता है वास्तव में जाता है, और इसका सारा सरकार अपने अंदर ले लेती है, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, कुछ राज्य सरकारों ने इस पर एक्शन भी लिया, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम मुक्त कर दिए हैं राज्य के नियंत्रण से, कुछ और भी मंदिर हरियाणा में मुक्त हुए हैं, इस पे प्रक्रिया चल रही है, और आने वाले समय में आप पाएंगे कि सारे के सारे मंदिर मुक्त हो जाएंगे, सकारात्मक परिणाम है इसके। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें हम भी लगे हुए हैं, पीछे साथ में लगे हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, देखिए ये कानून लाने वाले नेहरू जी हैं, लेकिन इस कानून के लाने से पहले तो ये मंदिर स्वतंत्र थे, लेकिन देश 1,000 सालों से गुलाम बना हुआ था, कोई समाज में जागरूकता नहीं है। इसके लिए एक तरीका है कि जो राशि धनराशि इकट्ठी होती है भारत सरकार एक वनवासी कल्याण विभाग बनाते हैं, और सारा पैसा वनवासी मत, मैं आदिवासी शब्द प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ये तो थोपा गया शब्द है, हमारे देश में कोई आदिवासी नहीं है, क्योंकि आदिवासी कहकर ही तो विभाजन की रेखा खींची जा रही है कि जो बाहर से आए हैं आर्य हैं, यहाँ के रहने वाले दलित हैं आदिवासी हैं, और जितने ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य आर्य हैं इनको देश से बाहर निकालो, आजकल एक नारा ही चल रहा है। मैंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखवाया था ज्ञानपीठ की तरफ से कि भारत सरकार को चाहिए कि जो मंदिरों का चढ़ावा चढ़ता है उसको एक वनवासी कल्याण विभाग बना दे, और जितना उसमें पैसा आता है सब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए, तो कोई भी दलित कोई भी व्यक्ति मुस्लिम या क्रिश्चियन क्यों बनेगा? जब उसको अभाव होता है कहीं ना कहीं लालच में आता है तब तो धर्म परिवर्तन करता है। तो जो हिंदू समाज का पैसा मंदिरों में चढ़ावे में जाता है वो पैसा केवल हिंदू समाज में रखने का अधिकार है, क्योंकि वो व्यापार के उद्देश्य से कमर्शियल नहीं है, कि भारत सरकार को उसको लेने का अधिकार ही नहीं है नैतिक रूप से। लेकिन हमारा सारा देश सोया इतने मंडलेश्वर हैं, इतने शंकराचार्य, कोई बोलता है 75 साल हो गया कोई नहीं बोलता। महाराज जी ने एक शब्द अभी यूज किया नैतिक, नैतिक। जब तक हम लोगों में नैतिकता नहीं आएगी, नैतिक साहस नहीं होगा हमारे अंदर, चाहे चढ़ावा सरकार ले जाए और चाहे ट्रस्टी ले जाए, पहले सरकार के पास नहीं था, पहले ट्रस्टियों के पास ही तो था जो मंदिरों को चला रहे थे, तो तब भी भारत गुलाम हुआ। महाराज जी ने बात कह दी, वो
सुई की तरह नोक की तरह हमारे हृदय में घुसी और उसने यही कहा हो कि भाई जब नैतिक बल ही नहीं है हमारे पास, नैतिक साहस नहीं है हमारे पास, नैतिकता ही नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है हमारे पास, वो चारों तरफ रोशनी उसे दीप से दीप जलाते चले, एक से एक दीप जलाएंगे तो रोशनी बढ़ेगी।